टाइपिंग इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट टू बिल्ड स्पीड फॉर ऑप्टीमल टाइपिंग एक्यूरेसी टाइपिंग में क्या 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 आता है करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट अपनी फिंगर्स को करेक्ट कीज पे प्लेस करना और एक्यूरेटली टाइप करना और टाइम कम लेना है, मतलब स्पीडली टाइप करना सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट ऑल स्टूडेंट्स बिगन टू लर्न करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ फिंगर्स ऑन द की बोर्ड एज सोन एज दे बिगन टू यूज द कंप्यूटर तो जैसे ही कंप्यूटर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं या आप घर पे भी जब भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कोशिश किया करें कि करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट होना चाहिए जैसे आपने लास्ट चैप्टर में देखा था उसमें पूरा डिटेल में दिया गया है कि कौन से फिंगर को कहाँ प्लेस करना है जैसे अगर हम टाइप नहीं कर रहे हैं तो अपनी फिंगर्स को कहाँ प्लेस करते हैं हम होम रोकीस पर प्लेस करते हैं ठीक है तो लास्ट चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है कि हमें अपनी फिंगर्स कहाँ रखनी है थम कहाँ रखना है कौन सी कीज़ किस फिंगर से प्रेस करनी है तो कोशिश क्या करें जब भी आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं या अपने घर पे कंप्यूटर चलाते हैं तो आप उन कीज़ पे ही आ, अपनी फिंगर्स को प्लेस करें और जिस भी फिंगर से दिस हेल्प डैम टू मास्टर टाइपिंग स्किल वैन स्टूडेंट डेवलप टाइपिंग प्रोफेशनसी इट हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल और जैसे जैसे वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं उनकी राइटिंग स्किल्स भी बेटर हो जाती हैं टच टाइपिंग यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट टच टाइपिंग इन द प्रीवियस चैप्टर टच टाइपिंग इज अ मेथड ऑफ टाइपिंग विदाउट द यूज ऑफ सेंस ऑफ साइट और सिंपली बाई फिलिंग द कीबोर्ड जब हम टाइपिंग करते हैं बिना देखें जैसे आप फ़ोन पे भी जो लोग बहुत ज़्यादा टाइपिंग करते होंगे वो क्या उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो जल्दी जल्दी से मैसेज टाइप कर देते हैं ठीक है ऐसे ही कीबोर्ड पर भी होता है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है टाइपिंग की तो वो कीबोर्ड पर कीज़ को देखे बिना पूरा पैराग्राफ या जो भी आर्टिकल उन्हें टाइप करना है वो आराम से टाइप कर सकते हैं सिंपली बाई फीलिंग द की बोर्ड हाउवर द सेंस ऑफ टच इज़ लिटिल इन्वॉल्व सिंस दिस टाइपिंग मैथड यूटिलाइज मसल मेमोरी थ्रू रिग्रेस ट्रेनिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उससे क्या होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो मसल मेमोरी मतलब आपकी मसल्स जो हैं आपकी फिंगर्स जो हैं खुद ही मूव करती रहती हैं और टाइपिंग बहुत ज़्यादा फास्टली हो जाती है दिस वे आ यूजर कैन टाइप स्पॉन्टेनियसली बाई प्लेसिंग हिज और हर हैंड ऑन द की बोर्ड एंड डिज़ नॉट हैव टू लुक एट एन कीज यूज़र को देखने की ज़रूरत ही नहीं होती कीज़ को और वो खुद ही टाइप करता चला जाता है जब उसे टाइपिंग प्रैक्टिस होती है बेनिफिट्स ऑफ टच टाइपिंग बेनिफिट्स क्या है टच टाइपिंग के टच टाइपिंग इज़ वंडरफुल टेक्नीक विच प्रोवाइड ए वाइटी ऑफ कस्टमाइज एक्सरसाइजिज दैट हेल्प यू टू इम्प्रूव योर प्रोफेशनल की बोर्ड स्किल्स इन ए स्टेप बाई स्टेप टच टाइपिंग क्या है एक वंडरफुल टेक्निक है जिसमें बहुत सारी कस्टमाइज एक्सरसाइजिज होती हैं बहुत सारी एक्सरसाइजिज दी जाती हैं जिससे जो टाइपिंग स्किल्स हैं वो कीबोर्ड स्किल्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप वे में इम्प्रूव होती रहती हैं सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो कुछ उनमें से जो स्किल्स हैं वो लिस्टेड हैं नीचे जैसे स्पीड वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव रीजन टू लर्न द टच टाइपिंग इज़ द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्पीड एंड एफिशिएंसी जब टच टाइपिंग स्किल्स आप इम्प्रूव करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका किस पे इफेक्ट पड़ता है स्पीड पे आप बहुत जल्दी जल्दी मतलब आप स्पीडली टाइप करने लगते हैं टच टाइपिंग इज़ अ सर्टेन टू ऑफर द मोस्ट प्रोडक्टिव मेथड फॉर वर्किंग ऑन द वाइड रेंज ऑफ डाटा एंट्री प्रोजेक्ट क्या होता है कि डाटा एंट्री प्रोजेक्ट होते हैं डाटा एंट्री प्रोजेक्ट का मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइपिंग करनी होती है मतलब डाटा को एंटर करना होता है कंप्यूटर में तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो जितना जल्दी आप स्पीडली टाइप कर सकते हैं आप अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं सेकंड इसका बेनिफिट क्या है टच टाइपिंग का एक्यूरेसी द सेकंड मोस्ट इंपॉटेंट बेनिफिट ऑफ लर्निंग टच टाइपिंग कम्स विद द टाइपिंग करेक्टली एंड एक्यूरेटली सेकेंड बेनिफिट यह है कि जब आप टच टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं टाइपिंग की प्रैक्टिस जब आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप एक्यूरेटली और करेक्टली टाइप कर सकते हैं इफ़ यू आर टाइपिंग विद अ गुड स्पीड बट नॉट टाइपिंग एक्यूरेटली नो वन वुड अंडरस्टैंड वॉट यू आर टाइपिंग टू कन्वे अगर आप स्पीडली तो टाइप कर रहे हैं लेकिन एक्यूरेटली टाइप नहीं कर रहे हैं तो किसी को समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या लिख रहे हैं क्या आप कन्वे कर रहे हैं थ्रू योर आर्टिकल्स फिर टाइम टाइम भी एक बेनिफिट है अनदर बेनिफिट ऑफ टच टाइपिंग इज अकम्पलिशिंग द वर्क विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम जो आपको टाइम लिमिट दी जाती है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने की अगर आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी है तो आप उसे इजीली कर सकते हैं गिवन टाइम फ्रेम में द मोर द टाइपिंग स्पीड इज द लेस टाइम विल बी टेकन टू टाइप एंड एक्म्प्लिश द टास्क जितनी ज़्यादा टाइपिंग स्पीड होगी आप उतनी जल्दी टाइप कर लेंगे अपना आर्टिकल या अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं ईजीली फोकस वैन यू टाइप विद टू फिंगर्स द फोकस गेट डाइवर्टेड बिटवीन फाइंडिंग द कीज़ ऑन द कीबोर्ड एंड द वर्क यू आर डूइंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम ठीक है जब आप सिर्फ दो फिंगर्स यूज करते हैं टाइपिंग के लिए तो आपको कीज ढूंढने में टाइम लगता है थोड़ा ठीक है उससे टास्क भी डिले होता रहता है लेकिन जब आप सारी फिंगर्स यूज करते हैं इंक्लूडिंग थम तो आप जल्दी टाइप करते हैं और स्पीडली टाइप करते हैं लर्निंग टच टाइपिंग अलाउज़ यू टू फोकस ऑन द वन थिंग इंस्टेड ऑफ टू एंड थस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ठीक है इससे क्या होती है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है आप एफिशेंटली वर्क कर सकते हैं न नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्वायरमेंट ऑफ टच टाइपिंग टच टाइपिंग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है टू अचीव मैक्मम बेनिफिट्स फ्राम टच टाइपिंग यू आर रिक्वायर टू इंस्टॉल द फॉलोइंग फर्स्ट इज हार्डवेयर हार्डवेयर कौन कौन से होने चाहिए अब आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम विद फिजिकल की बोर्ड माउस एंड स्पीकर एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए की बोर्ड स्पीकर और माउस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपके कंप्यूटर में तभी आप वर्क कर पाएंगे विंडो एक्सपी सेवन एट टेन विंडोज़ होनी चाहिए लिनक्स मैक ओबन टू का भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में अगर हो तो आप टच टाइपिंग कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए रैपिड टाइपिंग टाइप, सॉफ्टवेयर फाइव पॉइंट टू जिस पर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर अब हम रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे रैपिड रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज़ डिज़ाइन टू टीच एडल्ट एंड किड्स टू यूज़ द कंप्यूटर की बोर्ड मोर एफिशेंटली देन एवर रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि अडल्ट और किड्स अपनी टाइपिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकें इट बेसिकली हेल्प दैम टू लर्न द टाइपिंग स्किल्स एंड चेक देअर टाइपिंग स्पीड प्रोग्रेस और ये किस लिए किस में हेल्प करता है टाइपिंग स्किल्स लर्न करने में हेल्प करता है और टाइपिंग स्पीड में क्या प्रोग्रेस आ रही है वो मॉनिटर करने में काम आता है वेन इट्स क्विक ट्रेनिंग सेशंस अलॉन्ग विद टेलर मेड एक्सरसाइज रैपिड टाइपिंग हेल्प्स द यूजर टू शार्पन अप हिज स्किल्स एंड ओवरकम हिज प्रॉब्लम एरिया इन ए शॉर्ट टाइम विद द परसिस्टेंट एफर्ट इसके जो सेशंस होते हैं जब हम इसकी एक्सरसाइजिज़ज़ज़ज़ परफॉर्म करते हैं तो यूज़र जो होता है उसकी टाइपिंग स्किल शार्प हो जाती हैं और वो जो भी उसकी टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है वो इजीली उसे ओवरकम कर सकता है रैपिड टाइपिंग प्रोवाइड्स वेरियस कोर्सेज अकॉर्डिंग टू द डिफ़िकल्टी लेवल आर रैपिड टाइपिंग जो है प्रोवाइड करता है अलग अलग कोर्सेज़ डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पे जो यहाँ टेबल में हम डिस्कस करेंगे ठीक है फर्स्ट है इंट्रोडक्शन द इंट्रोडक्शन कोर्स कवर्स ऑल द कैरेक्टर टाइप ऑन योर की बोर्ड इंट्रोडक्शन कोर्स में क्या होता है वो सारे कैरेक्टर्स जो भी आपकी की बोर्ड पर होते हैं वो उसे कवर करते हैं फिर बिगिनर सेकेंड होता है बिगिनर द बिगनर कोर्स हेल्प्स यूजर टू लर्न द पोजिशन ऑफ द कीज ऑन द की बोर्ड बिगनर में क्या इन्वॉल्व होता है कि कीज़ की, कीज की पोजीशन क्या होती है कीबोर्ड पे वो इसमें बिगिनर में आ जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू विल नो विच फिंगर टू यूज़ टू हिट ईच की विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको समझ आ जा जाता है आपको कौन सी की के लिए कौन सी वाली फिंगर यूज़ करनी है कोर्स कवर्स यूसेज ऑफ द अपर लेटर्स स्पेशल सिम्बल्स एंड द न्यूमेरिक पैड और इस कोर्सेज में क्या क्या सिखाया जाता है अपर केस लेटर कैसे टाइप करते हैं कौन सी फिंगर्स से टाइप करने हैं स्पेशल सिम्बल्स कहाँ से टाइप करते हैं और किस फिंगर को यूज़ करते हैं न्यूमेरिक न्यूमेरिक पैड जो है नंबर्स कैसे टाइप करते हैं और कौन कौन सी फिंगर या थम क्या हम यूज़ करते हैं उसे टाइपिंग में एक्सपीरियंस्ड कोर्स जो एक्सपीरियंस कोर्स होता है उसमें क्या सिखाते हैं द एक्सपीरियंस कोर्स विद द हेल्प विल हेल्प द यूज़र टू इम्प्रूव द टाइपिंग स्पीड बाय मेमोराइजिंग द फ्रीकेंटली यूज सेलब सेलेबल्स एंड वर्ड्स तो एक्सपीरियंस कोर्स में क्या होता है वो वर्ड्स या uh, कुछ भी आपको एक सेंटेंस दे देते हैं जो आप प्रैक्टिस करते हैं और मेमोराइज करते हैं ताकि आप इजीली टाइपिंग कर सके मतलब वो आपको एक वर्ड दे देते हैं और एक टाइम लिमिट दे देते हैं कि इतने टाइम में आपको ये वर्ड टाइप करना है तो इससे क्या होता है आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है फिर आता है एडवांस कोर्स द एडवांस कोर्स हेल्प्स द यूज़र टू इंप्रूव देयर टाइपिंग स्किल्स एक्वायर्ड बाय टाइपिंग एंड एक्चुअल टेक्स्ट एडवांस कोर्स में क्या सिखाते हैं इंप्रूव करते हैं वो टाइपिंग स्किल्स में एक्वायर्ड बाई टाइपिंग एंड एक्चुअल टैक्स एक एक्चुअल टैक्स दे देते हैं कोई पैराग्राफ या कुछ भी दे देते हैं जिसमें जिसे आपको टाइप करना होता है एक टाइम लिमिट में ठीक है विदाउट एरर्स टेस्टिंग दिस कोर्स हेल्प द यूजर टू मेजर हिज करेंट टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी विद एडवास्ड टाइपिंग टेस्ट वन कैन ईवन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ हिज टाइपिंग स्किल रिपोर्ट्स और टेस्टिंग में क्या होता है कि वो आपको टेस्ट करते हैं कि आपने कितनी एक्यूरेटली टाइप किया है और कोई एरर तो नहीं है और आप इसमें प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अपनी टाइपिंग स्किल रिपोर्ट्स का नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर वी आर वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो